गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इट्स द 33rd पार्ट ऑफ द एलटी लेक्चर सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीआर क्लास 9th एनसीआरटी इंग्लिश इन विच वी हैव टू बुक्स वी हैव एन मोमेंट वी हैव इट्स द बुक रिलेटेड टू प्रोज इन विच वी हैव गिवन चैप्टर्स वी विल डिस्कस योर चैप्टर्स एंड दियर राइटर्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं दी फन दे हेड करके है जो कि इज़ाक एज़िमोव ने लिखा है. नेक्स्ट चैप्टर की बात करें दी व्यू नॉट टेकन, ये तो पोएट्री सेक्शन में है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखी थी, एक पोइम लिखी थी, इसके बाद पोएट्री सेक्शन को हमने अलग कर दिया था. नेक्स्ट चैप्टर वी हैव गिवन द साउंड ऑफ म्यूजिक, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर डेब्रू कॉले. एंड थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैंसफील्ड इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैव कैरेक्टर नेम्स केजिया. केजिया जो है अपने फादर से क्या होती है, अपसेट होती है बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर. नेक्स्ट चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन इन विच वी हैव गिवन द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. वी ऑल नो द फॉर्मूला ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर है यहाँ पे. नेक्स्ट चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर वेंकम मोहम्मद वसीर. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन सेम काइंड ऑफ मिस लिटरेचर विच आई हैड टोल्ड लास्ट वीक. नार्सिसिज्म बताया था मैंने, एक लिटरेचर नार्सिसिज्म करके बताया था. इट मीन्स सेल्फ लव, उसी पे बेस्ड है ये. तो नेक्स्ट चैप्टर हो गया माई चाइल्डहुड, ए पी जे अब्दुल कलाम जी के बारे में है ये. नेक्स्ट चैप्टर की बात करें पैकिंग, जेरोम के जेरोम ने लिखा है. इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें रीच फॉर द टॉप अबाउट संतोष यादव, संतोष यादव के बारे में है. नेक्स्ट चैप्टर 9th नंबर पे है द बॉन्ड ऑफ लव, केनिथ एंडरसन ने लिखा है. 10th नंबर पे है काठमांडू, बैंक विक्रम सेठ ने लिखा है. विक्रम सेठ से रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्लास 11th में, द डिटेल ऑफ अ मेलन सिटी करके भी है. और इसके अलावा विक्रम सेठ ने लिखा है गोल्डन गेट करके. नेक्स्ट बात करें तो इफ़ आई वर यू करके है, डगलस जेम्स ने लिखा है इस चैप्टर को. नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस पोएट्री सेक्शन. द रोड नॉट टेकन, द पोएट ऑफ दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बताया क्लास 10th में भी, इनकी दो पोएम्स थी फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो करके. 9th में है द रोड नॉट टेकन करके. इसके अलावा विंड है सुब्रमण्य भारती के द्वारा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, हमने बताया 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला हुआ है. पोएट ऑफ टेरर के नाम से भी इनको जाना जाता है. इसके अलावा विंड लिखा है सुब्रमण्य भारती ने. रेन ऑन द रूफ लिखा है कोट्स की ने. अब जो रेन ऑन द रूफ है इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे और पॉइंट्स में बताऊँ. रेन ऑन द रूफ है ये, तो रूम ऑन द रूफ किसने लिखा है. रूम ऑन द रूफ, अगर रेन की जगह हम रूम कर दें यहाँ पे, रूम ऑन द रूफ ये नोवेल है किसका, रस्किन बॉन्ड का है. इसके अतिरिक्त बात करें रेन से रिलेटेड कुछ अदर जो पोएम्स हैं, द रेनी डे करके लिखा है हेनरी वॉट्सवर्थ लॉन्ग फेलो जो कि अमेरिकन फायर साइड पोएट्स हैं. द रेनी डे करके लिखा है इन्होंने. एडिथ साइडवेल का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने लिखा है स्टिल फॉल्स द रेन करके. तो ये कुछ रेन से रिलेटेड हमने यहाँ पे जो भी पोएम्स वो डिस्कस की. और रूम ऑन द रूफ किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रस्किन बॉन्ड ने इनको 1992 में साहित्य अकेडमी मिला था. साहित्य अकेडमी इनको किस वर्क के लिए मिला था, कल भी हमने डिस्कस किया था. साहित्य अकेडमी मिला था इनको आर्ट रीज स्टिल ग्रोइंग डेहरा करके इन्होंने लिखा था, उसके लिए 1992 में मिला था. और साहित्य अकेडमी की इनके थोड़ा सा आसपास की बात करें तो 1990 में फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए शशि देश पांडे को मिला था. और इससे पुरानी वाली वीडियो में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, क्योंकि विकिपीडिया से और कुछ एक दो बुक्स से हमने जो कलेक्शन लिया था तो उसमें हमें 1990 दिया था वहां पे अमिताभ घोष को साहित्य अकेडमी. बट अगर आप विकिपीडिया में दूसरी साइट्स पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पे 1989 भी दे रखा है. तो अगर बात करें 1990 में अगर शशि देश पांडे को मिला है फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, तो 1989 में अमिताभ घोष को मिला होगा, ये मेरा मानना है. क्योंकि शैडो लाइन्स के लिए इनको 1989 में मिला होगा और 1990 में जो है शशि देश पांडे को मिला था, ये तो कन्फर्म है. और बात करें अगर एग्जाम में आता है वहाँ पे 1990 ऑप्शन रहता है तब तो आप 1990 टिक कर सकते हैं. अगर वहाँ पे 1989 भी होता है तो आप 1989 टिक करेंगे. अगले अगर पोएम की बात करें तो
द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा है। डब्ल्यू बी ईट्स की कल भी हमने एक पोएम डिस्कस की थी जो क्लास टेंथ में थी, फॉर एन ग्रेगरी करके था वहाँ पे जो पोएम थी। और इसके अलावा डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है, 1925 में जी बी शॉ को मिल रखा है, और दोनों आयरिश हैं। और सेकंड कमिंग के इनकी पोएम की बात कर रखी थी हमने, वो बताया था। इनको सिलिको पोएट भी कहा जाता है डब्ल्यू बी ईट्स को। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड फोबी कैली ने लिखा है इस पोएम को। नेक्स्ट पोएम की बात करें तो नो मैन आर फॉरेन जेम्स किरकब ने लिखा है। नेक्स्ट द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लियर ने लिखा है। एडवर्ड लियर को जो है नॉनसेंस पोएट्री के लिए जाना जाता है। नॉनसेंस पोएट्री के अलावा बात करें तो लाइमरिक के लिए भी ये फेमस हैं, लाइमरिक, ठीक है। और बात करें अगले 8th नंबर पे जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, जीप पटेल ने लिखा है। 9th नंबर पे जो पोएम है द स्नेक ट्राइंग, डब्ल्यू डब्ल्यू ई रॉस ने लिखा है। अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन नहीं जानता, ठीक है। रोमांटिक एज में जो लिरिकल वैली है जो कोलेबरेशन में लिखा था कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने, उसके बारे में आप सभी को बताया। इसके अलावा टिंटन एवे, बहुत सारी इनकी अपनी वो हैं, प्रीलूड करके भी आपको पता होगा। और ये इसके अलावा पोएट लॉरेट भी रहे कब, 1843 से 1850 तक। नाउ वी विल टॉक अबाउट मूवमेंट। सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड है। यहाँ पे लॉस्ट चाइल्ड लिखा है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद से रिलेटेड ऑलरेडी हम यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको, इंडियन लिटरेचर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके। और द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये प्रेटी मंकी होता है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। स्वरन द स्टोरी टेलर, आर के लक्ष्मण ने लिखा है इसको। और बात करें इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ए के रामानुजन, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और आप बात कर अगर दूसरे उसकी बात करें टेल ऑफ द मिलन सिटी, दोनों एक जैसी हैं आप इनको कंपेयर करेंगे तो। इनकी जो स्टोरी है हैप्पी प्रिंस ये लिखा है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। और वेदरिंग इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा ये लिखा है, हर्षमंदर ने लिखा है। द लास्ट लीफ ओ हेनरी, जिनको की जिनका फुल नेम क्या है, विलियम सिडनी पॉटर करके है। और बात करें अ हाउस इज नॉट अ होम, ये जैन गॉडिसन ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, बिल ब्रायसन ने लिखा है। द वेगर एंटन चेकोब, एंटन चेकोब से रिलेटेड लास्ट क्लास टेंथ में भी पढ़ा था हमने एक चैप्टर द प्रपोजल करके, जिसमें नाटलिया लुंगू और चुबुकुब जो है करेक्टर्स थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। ये क्लास नाइन्थ से रिलेटेड यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।